आज हमारे साथ हैं, आए हैं हम गांव बड़कली में। हमारे साथ हैं एक किसान जिनका नाम है राजा। तो राजा भाई से हम मिलवाएंगे आपको। नमस्कार जी, कैसे नमस्कार जी। हो भाई साहब? बढ़िया जी। अच्छा, आपने भाई साहब ये रिंग पिट जो गन्ना लगाया है, जी आप पहले कौन सी विधि से गन्ना बो रहे थे? पहले तो सद्धि विधि से ही बो रहे थे, जो 28-30 इंच पे बुत्ता है उसी से तो बो आपने रहे थे। गड्ढे किस प्रकार बनवाए हैं? दरअसल में क्या है कि हमारे यहाँ जो वेल्डिंग वाले होते हैं उनसे हमने एक सादा लेजर बनवाया, थोड़ा चौड़ा चौड़ा करके, जैसे ये थोड़ा नेड़ा होता है 28-30 इंची वाला। हाँ। तो वो लगभग 2 फीट के आसपास है। अच्छा, 2 फीट से मतलब ये जो गैप है उसको 2 फीट के आसपास है, तो वो पूरा चौड़ा कर देता है। अच्छा। ये कि जिस तरीके से नाली बनती है, हाँ, इस तरीके से नाली बना दी उसने। उसके बाद हमने इसमें अपना झट्टे से जुताई करके कल्टीवेटर से, तो थोड़ा वो नीचे से भुरभुरा हो गया। हाँ। उसके बाद हमने ये आग उस मिट्टी में लगा दी थी, मिट्टी में दाब दी। हाँ, एक रिंग ही करके, रिंग टाइप नाप लेके। हाँ, एक नाप लेके रिंग टाइप ही हमने उसमें ये आंख लगा दी। अच्छा राजा भाई, एक बार और बताइए हमारे किसान भाइयों को, जो सबसे बड़ी बात है कि आपने इसमें सिंगल बर्ड बोया था या डबल आंख की, मान लो जो बर्ड बोया था, और कितने इसमें आंखें लगाई थी आपने? हमने एक बार हमारे दर्शकों को बता। इसमें जो है, हमने जो एक रिंग था हमारा, उसमें हमने 2 आंख का एक एक कच्ची, मतलब एक और एक दो दो, दो आंख की एक कच्ची काट के। अच्छा, वो लगाया था। कितनी? 11 से 12 कच्ची थी, वे लगभग 22 से 24 आंख लगाई थी हमने। अच्छा, 12 दूनी 24, 24 आंखें आपने लगा दी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, उसमें अब 24 आंख में कितना है? तो एक बार गिनी, अभी अभी आप देख सकते हो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30। देखिएगा 30 गन्ने का जर्मिनेशन है 24 से, यानी तो लगभग ये एक जो पुली होती है लगभग 60 किलो के आसपास की उतरेगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, दूसरी चीज हमें एक और बताइए हमारे किसान भाइयों को कि आपने कौन सी दवाई इसमें ट्रीट किया है, मतलब शुरुआत में कौन सी दवाई लगाई थी जो इतना अच्छा आप उत्पादन ले रहे, और अब कौन सी दवाई लगाई आपने, कितने दिन हो गए? शुरुआत में हमने इसमें बुआई के टाइम, शुरुआत में बुआई के टाइम हमने क्रिस्टल कंपनी का वोल्टाक्स आता है वो लगाया था, और डाई के समय, बुआई के समय, ठीक है, और 2.5 बीघा के हिसाब से 10 किलो DAP, 10 किलो DAP थी, ठीक है, और 100 ग्राम पर बीघा के हिसाब से तलवार जिंक आता है क्रिस्टल का, वो हमने इसमें लगाया था, ठीक है। ये हमारा बुआई का था, जो हमने बुआई पे इसे लगाया। फिर कौन सा स्प्रे कितने दिन बाद किया? उससे जर्मिनेशन होने के बाद में लगभग 25 दिन, 1 महीना बाद, जैसे ही थोड़ा जम के आया था, उस टाइम हमने इसमें प्रेफेनोफोस साइपर और कार्टा 50 SP का स्प्रे किया, ठीक है। और फिर उसके बाद कोई स्प्रे किया आपने? उसके बाद हमने इसमें एक टॉनिक लगाया था नीचे डालने के लिए, जैसे टिलिंग वगैरह के या बढ़वार के लिए जी। एक जैसे बायोविटा आता है, यही कंपनी का बायोविटा आता है जी। वो लगाया हमने इस पे जो है कोर पे। अच्छा, कोर दी उस टाइम हमने इसमें बायोविटा लगाया। तो अभी हाल फिलहाल में कोई दवाई लगाई आपने? जैसे बरसात चल रही है, बरसात में क्या है कि मतलब जुलाई अगस्त जो 38 गन्ना है, ये बहुत ज्यादा किसान भाइयों रोग के दिन होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रोग आता है इसमें, देखिए बरसात, उमस और कभी बारिश कभी धूप, इसमें सबसे ज्यादा जो रोग आता है वो जुलाई अगस्त होता है। एक चीज और बताइए राजा भाई। बिल्कुल। जैसे मान लो आपने ये रिंगपिट विधि मतलब बोई है और एक सादी विधि, इसमें रोग कितना आता है, उसमें ज्यादा आता है या इसमें ज्यादा आता है? सादी विधि में थोड़ा इससे ज्यादा है रोग। अच्छा। और दूसरा एक ये भी है, रोग भी ज्यादा आता है और उसको हम ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाते, एक ये भी बात है जो मैं आपको पहले बताया, थोड़ी हाइट होने के बाद में हम उस पर कोई स्प्रे नहीं कर पाते, स्पेस नहीं मिल पाता उसमें कि किसान उसमें दवाई या टंकी लेकर चल पड़े। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और दूसरा क्या है, देखो पास में ही हमारा दूसरा खेत है, उसे आप देख सकते हो, वो सद्दी विधि का ही है जी। तो उसमें देखो वो हमारा पोका बोइंग उसमें बहुत ज्यादा ग्रसित है पौधा। हाँ जी। और ये है हमारा रिंगपिट, आप इसमें देख सकते हो, हालांकि उसमें भी हमने ब्लू कोपर, एक क्रिस्टल कंपनी का आता है, उसका भी पोका बोइंग के लिए स्प्रे किया था और इसमें भी किया था, तो उसमें पोका बोइंग है अब भी, और इसमें देखो बिल्कुल एकदम साफ हो गया, आप आगे तक देख सकते हो, इसमें बिल्कुल साफ हो गया स्प्रे करने के बाद में, इसमें कुछ नहीं हुआ, और उसमें कीड़ा बीमारी मतलब ज्यादा है। टॉप बोरर के लिए हमने इसमें मार्शल दवाई का प्रयोग किया था, जो FMG की आती है, टॉप बोरर के लिए हमने वो किया, और फंजीसाइड में पोका बोइंग के लिए ब्लू कॉपर का स्प्रे किया है, जिससे आज देख सकते हो आप हमारा खेत बिल्कुल हरा भरा है और बहुत अच्छा। अभी ये हमारा खेत है जी, इसमें हम लगभग
रोज नहीं तो दूसरे तीसरे दिन आराम से घूम लेते हैं। अच्छा। और जो हमारी श्रद्धा विधि का है वो भी है, और भी है श्रद्धा विधि का, उसमें हम 15 दिन एक महीना मतलब थोड़ा सा गन्ना जैसे बड़ा हुआ उसके बाद हम बढ़ नहीं पत्ते, एक बनने के बाद भी उसमें हम बढ़ नहीं पत्ते। और दूसरा क्या है, ये देखो बिल्कुल सफा पड़ा है, बहुत अच्छा, बिल्कुल साफ है। उसमें क्या है, अच्छी व्यवस्था अपने अपने गन्ने की बना रहे, नीचे घास वगैरह पत्ती वगैरह इतनी हो जाती है उसमें, सांप का हमें कीड़े का कांटे का कुछ नहीं दिखाई देता। इसमें हमें कोई बच्चा छोटा सा भी आ रहा उसे भी कह देगा पानी कर आओ तो वो आराम से कर लेगा। उस खेत में हमें ये नहीं पता चलता कहां तक भर गया कहां तक नहीं भरा कहां रह गया। इसमें हम पूरे में घूम के अच्छी तरीके से देख सके हमारा पूरा खेत भर चुका है। देखिए किसान भाइयों, राजा भाई ने बताया कि सादी विधि और इसमें यही है कि इसमें कोई भी जंगली जानवर हो, आवारा पशु हो, कुछ भी हो जिससे किसान डरता था, वो दूर तक देख सकता है। किसान भाइयों, अगर बात आपको राजा भाई की थोड़ी सी लग रही हो, अगर लग रहा हो भाई ने सही कहा और ये विधि अच्छी है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।